में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, और अगस्त 2022 में ही मेरा एमए फाइनल हुआ था एंड अक्टूबर 14 को फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था। आप देखिए कितना समय मुझे मिला होगा तैयारी। एक कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से जब आप नॉन मेडिकल से आते हैं, लिटरेचर इज ए डिफरेंट थिंग। मेरा मीडियम इंग्लिश जरूर रहा है, स्पोकन इंग्लिश इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन कंपैरिजन टू लिटरेचर। लिटरेचर काफ़ी डीप होता है, लेकिन अगर मैं डिफरेंट सब्जेक्ट से आकर के एक्सेल कर सकती हूँ देन व्हाई यू नॉट, आप लोग क्यों नहीं कर सकते। और इसका जो कम्प्लीट क्रेडिट जो है वो ऑफकोर्स जो नानी सर को जाता है। कोचिंग का या उनके नोट्स का या इनफैक्ट उनके किसी भी प्रमोशनल कोई भी बुकलेट आदि उनका अगर हिस्सा रही हूँ तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। कम्प्लीटली कहीं भी मैंने जो है कोशिश नहीं की। एक एज ए स्टूडेंट क्या होता है, जब हम प्रिपेयर करते हैं आज यहाँ खड़ा होना आसान है, आप सबको लेक्चर देना आसान है, लेकिन जब मैं वहाँ बैठी थी जिस टाइम मैं तैयारी करी थी बहुत मुश्किल होता है उस समय। आपका मन जो है ना वो ये कहता है कि क्या पता इन ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं या ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं या ये वाली जो बुक मैं ले लूँ, ये वाली गाइड मैं ले लूँ, ये एक कैंडिडेट के मन में चलती रहती है, मेरे भी होती थी। लेकिन मैंने कम्प्लीटली फेथ जो है वो सर पे रखा था। उसका एकमात्र रीज़न था कि मेरी मम्मी सर का नाम नहीं जानती, बट वो ये जानती हैं कि सूरतगढ़ में एक सर हैं इंग्लिश के, सिलेक्शन तो वही करा। अब वो उन्होंने आज जैसे बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे आस पड़ोस में उनकी मम्मियाँ जो हैं वो कहती होंगी, तो उन्होंने इतना सुन रखा था और मुझे ये कहा था कि तू एक बार सर से पढ़ के वो देख ले। और मैंने कंप्लीट फेथ रखा सर पे, मैंने कहीं इधर उधर ध्यान नहीं दिया। ऑनलाइन कोचिंग सर से मैंने ली थी, 2 महीने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी मैंने दिया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैंने कंटिन्यू की थी, बट मुझे ये था कि मुझे टॉपर्स के बीच बैठना जी है, मतलब टॉपर्स मुझे उस टॉप लिस्ट में आना है। अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पिछले साल कर रहा होगा तो समय अपने नाम से हर कोई रूबरू है, टॉप 10 में हमेशा रहते थे, फर्स्ट सीरीज में हमेशा बिल्कुल टॉप 10 में हमेशा मेरा लड़का है। अब 98 सूर्य पारिक है, नीतू खरबंदा मैडम है, अजीत सिंह बिटवाई ये हमारे ही कॉम्पिटिटर थे, हम इन्हीं के साथ कॉम्पिट करते थे। बट एज यूजल नया सब्जेक्ट है मेरा और इंग्लिश में इंग्लिश के स्कोर की वजह से ही सिलेक्शन, क्योंकि राजस्थान जीके जो आता है आप सब पढ़ रहे होंगे सेकेंड ग्रेड में थर्ड ग्रेड में, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए आम बात होगी लेकिन नॉन मेडिकल के लिए होगा होता है। ठीक है, बहुत टफ था। सर की टेस्ट सीरीज ने मुझे हेल्प किया क्योंकि इंग्लिश के टेस्ट के साथ हमारे दो जीके के भी टेस्ट होते और जीके देखते ही मुझे ये लगता था कि इसको ना सुन तो ठीक है ना इंग्लिश की, लेकिन यही मन में आता था। लेकिन वो टेस्ट सीरीज का एक हिस्सा था, सर ने ये भी अच्छा रखा कि सब्जेक्ट के साथ उसको कंपल्सरी रखा, पढ़ना पड़ता था, मन तो नहीं करता था तो
प्रेरकों के 800 है, तो इतने बच्चे जो होने होते हैं जो प्रोविजनल आगे होते हैं, जो 800 ऑलरेडी आगे होते हैं, तो आपको देखो कितना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो ये बड़ी जो है बड़ी बात बताई उन्होंने कि काम लगातार जारी करना पड़ता है। और इसके अलावा जो है हाउस वाइफ मैडम हस्बैंड के साथ आए हैं, उनके फैमिली का क्या रोल रहता है, सपोर्ट रहता है ना। सर फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है, हमारा एनवायरनमेंट हमारे सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही हमारी रुपीज होंगे, जैसे हमारी कंपनी होगी, हमारी जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल वैसे होते हैं। आप डॉक्टर्स के साथ बैठिए, आपको डॉक्टर्स वाली फीलिंग आने लग जाती है। कुछ लोग देखिए डीमोटिवेट कोई नहीं करता किसी को, लेकिन उनका मन ही ऐसा होता है, उनका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर आप कॉन्फिडेंट लोगों के बीच में बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका भी नज़रिया सेम चेंज होने लग जाता है, आप उनकी तरह की बात करने लग जाते हैं। वो एक कहावत है कि साथ रहने से रंग नींद को बुद्धि दो, बुद्धि का असर को आता ही आता है, वो चीज़ें हैं। मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव थी, चाहे वो मेरा मायका हो चाहे मेरे लॉज हो, मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी साइकोलॉजी चेंज करते हैं। अगर आप जो है पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ में रहेंगे, तो आपका नज़रिया भी पॉजिटिव होगा, और जब आप एग्ज़ाम सीट के ऊपर बैठेंगे एग्ज़ाम देने में, और वो आपको बहुत हेल्प करता है। मेरी खुद की सिस्टर है, उनका इस बार सिलेक्शन बिल्कुल थोड़े से मार्क्स से छूट गया था। रीज़न, उनका फर्स्ट डे जो है पैर में फ्रैक्चर हो गया था लाइब्रेरी से उतरते वक्त, यानी 13th के लिए 14th को आपका एग्ज़ाम है। और जो लेडीज़ हैं जो मैरिड हैं उनको पता है 13th अक्टूबर को करवा चौथ खा पड़ा था, कुछ खाया पिया हुआ अभी नहीं करता, और पैर टूट जाना उस पर, और सुबह 9 बजे आपको आपके जो ड्रीम जॉब है उसके अंदर आपको अपीयर करना बहुत मुश्किल होता है, इतना बड़ा पैर हो गया। वो घबरा गई थी उस रोड की वजह से, और उन्होंने अपने पेपर पे सही करते हुए भी OMR में जो है वो सिली मिस्टेक्स उनसे बोल दिया। आपका कॉन्फिडेंस गया, आपका सिलेक्शन भी गया, ये चीज़ आप मान के रखिए। मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट थी, हालांकि वो Grade 3 पोस्टेड हैं और सबसे फ्रेशर मैं थी हमारे बैच में, जो भी हम ग्रुप स्टडी जो करते थे उसके अंदर। मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट थी कि मेरा सिलेक्शन तो जरूर होगा, किस रैंक से होगा बस देखना ही। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस जो है वो अपना बनाए रखना है। और सबके जो मोटिवेशनल सेशंस होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल एग्ज़ाम जब पास आता है तो हमारा जो ब्रेन है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सब याद है, फिर भी डर लगता है। सर अपना अपना नजरिया है, क्या कर सकते, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था आपकी वो मोटिवेशनल सेशंस में, जरूर देखा करती थी कि हाँ हमारे टीचर हैं, सर बोल रहे हैं, सर को इतना एक्सपीरियंस है, सर ने इतने बच्चे निकाले होंगे, तो सर ऐसे थोड़ी अपना कर। आप खुद सोचिए सर के बैच की क्या अहमियत रही होगी, इतने बच्चे जब पढ़ने आते हैं या ऑनलाइन क्लासेस जब सर लेते हैं, एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, उसको भी छोड़ के सर अगर टाइम निकाल के आपको मोटिवेशनल सेशंस दे रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं उसने ये बात कही, किसको कही, किसी और को कह दो तो ज़्यादा बढ़िया, हमारे वॉलेंटियर को कही, ठीक है, हमारे वॉलेंटियर होते 5 साल वॉलेंटियर, उसको कही ये बात जो है कि भैया हमको यहाँ पर भी आते हैं मोटिवेट हमारा और नहीं कर दिया जाता है। तो मैंने कहा हमारा क्या करें बताओ, हमारा काम, क्योंकि इस समय दो ही टाइम लॉस होते हैं जब मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, पहला भी है जो वैकेंसी नहीं आई होती, दूसरा वो जब आपका पेपर होने वाला होता है। तो अंतिम संदेश जो है बच्चों को, खास करके महिलाओं को, सभी को, खास करके महिलाओं को, बिल्कुल अपने ड्रीम को चेस कीजिए। देखिए आप ये सोचते हैं एक एक्सक्यूज, सर मैं काफ़ी बच्चों से सुनती हूँ कि तुम्हारी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तुम्हारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, हमारा केस अलग है, ये सिर्फ एक्सक्यूज है जो आप अपने आप को इतने सारे सुनते। ऐसे ऐसे आप इंटरव्यूज देखते ही होंगे कि बहुत सारी जो हिंड्रेंसेज होती हैं, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, हर इंसान की लाइफ में होती हैं, स्मूथ किसी की लाइफ नहीं होती, सबको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल स्मूथ रोड आपको मिल जाए आपकी सक्सेस के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका स्ट्रगल जितना ज़्यादा आपका स्ट्रगल होगा उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी। तो ये एक्सक्यूज़ आप अपने आप से जिस दिन देना छोड़ देंगे, नेक्स्ट
सामने आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपनी नज़र जब दिखाएंगे तो सक्सेस आपके सामने पूरी बाहें खोल करके आपका स्वागत करने के लिए खड़ी होगी। Help me, please, 'cause a man taken to say, I could lose a one, two, three.